आर्पिता करवा, वेलकम टू काउंसलिंग दोस्त। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डील विद अ ब्रेकअप। नाउ वी ऑल नो दैट ब्रेकअप आर पेनफुल, दे आर हॉरिबल, ओके, फॉर पीपल हु फेस्ड इट, बिकॉज वी टेंड टू गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद अ पर्सन, एंड व्हेन दैट पर्सन लीव्स आवर लाइफ चेंजेस, एंड इट फील्स एज इफ द लाइफ हैज स्टॉप्ड मूविंग फॉरवर्ड। बिकॉज हम सब किसी ना किसी समय एक रिलेशनशिप में बहुत टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, एंड वी हैव नर्चर्ड दैट रिलेशनशिप, बट वन डे व्हेन वी सी दैट द रिलेशनशिप इज नो मोर, वी फील एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन। चाहे रिलेशनशिप 3 महीना पुराना हो या 3 साल पुराना, दर्द उतना ही होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू मूव ऑन एंड हाउ टू हील फ्रॉम दैट ब्रेकअप। So, आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम लाइट टिप्स, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट इफ यू अप्लाई दोज टिप्स इन योर लाइफ, मूविंग ऑन विल बिकम रियली इजी फॉर यू। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट यू नो ब्रेकअप्स से हील होना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, एंड इफ यू आर टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड टू हील योर सेल्फ फ्रॉम दिस ब्रेकअप, आई मस्ट टेल यू दैट यू मस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ वंस फॉर दिस strong step that you are taking, because it is a step of strength and grace. Now let's look at how we can move on from a relationship. The first and foremost thing that you must understand here is that life moves on. Now I'll give you an analogy of a train. Ek train hai jo ek city se dusre city jaati hai. Let's assume that maybe there's a train which is moving from Mumbai to Jaipur. Now ये ट्रेन में जो इंजन है वो मुंबई से स्टार्ट होता है एंड वो जयपुर जाके रुकता है, बट देन मुंबई से जयपुर के बीच में बहुत सारे और स्टेशन आते हैं जिसमें ये ट्रेन रुकती है। बहुत लोग इस ट्रेन पे चढ़ते हैं, बहुत लोग इस ट्रेन से उतरते हैं, बट द इंजन कीप्स ऑन मूविंग और वो वहीं जाके रुकता है जहां उसकी डेस्टिनेशन है, विच इज जयपुर। सिमिलर टू दिस स्टोरी इज आवर लाइफ। हमारी लाइफ की एक जर्नी स्टार्ट हुई जब हमने जन्म लिया, एंड लाइफ moves on till the time we die. इस बीच में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोग हमारे साथ कुछ वक्त तक चलते हैं, कुछ stations तक रहते हैं, and then they have a destination. They will get out of the train someday, and then we need to keep on moving. So ये समझना बहुत जरूरी है that आपकी life में जो भी relations हैं वो अपना एक पार्ट प्ले करने आते हैं, वो आते हैं आपको कुछ सिखाने, आपको एक बेटर ह्यूमन बींग बनाने। सो आपकी लाइफ में अगर एक ऐसा रिलेशनशिप हुआ जिससे आपको निकलना पड़ा, जिसमें आपको ब्रेकअप फेस करना पड़ा, दैट मीन्स दैट रिलेशनशिप इज एक्चुअली देयर टू टीच यू समथिंग। हमें उस रिलेशनशिप के जो भी एहसास है उनसे सीखना है और फिर आगे मूव ऑन करना है, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ग्रो डे बाय डे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हेल्प यू टू गेट over a person is by understanding the fact that life moves on, and there are people who will come, there are people who will leave you, but you need to keep on moving. The second important thing that you must know here is that acknowledge the good things in a relationship. जब भी कोई relationship end होता है तो हमें सिर्फ उसकी bad memories याद रहती है, बट ऐसा नहीं है कि उस रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं था। अगर अच्छा होता ही नहीं तो हम इतने साल उस रिलेशनशिप में क्यों थे। देयर वर सम रियली रियली गुड मेमोरीज, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस, दोज मेमोरीज स्टिल स्टे विद यू टुडे। आई हैव नेवर बीन थ्रू अ ब्रेकअप, बट देन देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन really loved ones of mine, they have moved to a different city, or they have moved to different places, or they have left this earth. और वो जो पार्ट होता है सेपरेशन का, दैट इज पेनफुल, आई नो दैट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट वहां पे ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हम उस इंसान के लिए रोते रहे, क्या हम उस इंसान के साथ जो बुरी चीजें घटी है उसे याद करते रहे, या हम अपना परसेप्शन थोड़ा सा चेंज करें और उस रिलेशनशिप में जो भी अच्छाई थी, जो भी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, हम उसे अपने दिल में कैद करके जिंदगी भर उन अच्छी मेमोरीज के साथ आगे बढ़े। बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यू विल हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज विद डिफरेंट पीपल, यू कांट मेक पीपल स्टिक टू यू फॉर लॉन्ग, बट आप उन मेमोरीज को अपने दिल में सहेज के उन मेमोरीज के साथ अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। So it is important for you to understand the fact that
It's time to appreciate the good aspects of the relationship which came to an end. And the third important thing, start reinventing yourself. हम सब एक relationship के बाद जो breakup का period होता है उसमें इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं. We don't work on ourselves. हम self-care, self-image इन सब को भूल के हम अपने आप को बिल्कुल भुला देते हैं और सिर्फ हमारे दिमाग में एक thought चलता है उस relationship के बारे में. होता ये है friends कि जब आप एक चीज को बहुत देर तक देखते हो, बहुत देर तक उसी के बारे में सोचते हो, तो उसके अलावा आपकी life के सारे aspects आपको खत्म होते दिखते हैं. But it is important at the same time to understand that क्या हम एक time के लिए अपना थोड़ा सा ध्यान divert करके कई और चीजों में ध्यान लगा सकते हैं, because there are a lot of other beautiful things that are waiting for you. There's no point looking at a closed door for so long. So it's time for you to reinvent yourself. Maybe there's a long lost hobby जो आप कभी बचपन में practice करते थे and you are now out of touch with that. अब आपके पास टाइम है कि आप वापस से अपनी पेंट ब्रश उठाएं या अपना वो कैमरा उठाएं जिससे आप फोटोग्राफी किया करते थे एंड यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन दैट थिंग. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट इज गोइंग टू हैव मल्टीपल बेनिफिट्स. आपका ध्यान डाइवर्ट होगा. नंबर टू, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. बिकॉज सी, हम एक रिलेशनशिप से प्यार चाहते थे, जैसे ही वो प्यार चला जाता है हमें बहुत दुख होता है. क्या वो प्यार हम खुद को दे सकते हैं सो दैट आवर बॉडी नोज दैट वी आर देयर for our body and we know how to heal the body. All said and done, I know that dealing with a breakup and healing yourself, moving out of a relationship is really painful, it's really stressful. So don't worry, we are here with you on this journey. We have opened this platform, counselingthose.com, to help all the people who want to get happiness back in their lives. So if you're facing any problem, any stress, any anxiety in your life, feel free to call on the number displayed above. We'll connect you to some great counselors, to some great trainers who are going to assist you and who are going to talk to you related to all these issues. And I'm pretty sure that happiness is going to flow in your life very soon. Wishing you all the very best for the life ahead. You deserve to be happy. Thank you so much. We'll see you in the next video lecture.